2014 में करीब 18 सवाल आ रखे थे। तो कल भी हमने एक 100 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं और आज फिर मैं 100 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और पहला सवाल है आपका, एसिड रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एसिड रेन पर सवाल हमेशा आता ही है। तो एक्सेस NO2 एंड SO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो आप, मैं इन सबका PDF भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो कल वाली का भी हमने अभी अपलोड नहीं किया, थोड़ी सी देर में मैं इसके साथ ही अपलोड करूंगा। तो अम्ल वर्षा के जो जो सवाल है, कैसे एसिड रेन होती है, तो उसमें NO2 और SO2 का रोल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द इज नॉट पॉल्यूटेंट नॉर्मली। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है और इसमें चार ऑप्शन है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा सवाल है और इसका जो जवाब है आपका वो बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे कंटिन्यू करते हैं, व्हेन द एयर पोल्यूशन, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको कम जूम कर देता हूँ या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा क्योंकि मैं देख पा रहा था कि थोड़ा छोटा दिख रहा है। एक सेकंड, चलिए तो आप कंटिन्यू करते हैं, व्हेन द एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। तो बहुत आसान सा सवाल है और कल भी हमने कई सारे सवाल पोल्यूशन एक्ट पर जो है डिस्कस किए हैं और मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी सारे सवाल आने चाहिए एनवायरनमेंट पर। तो क्योंकि लास्ट ईयर उतने सवाल नहीं आए हैं तो इस बार लगता है कि ज़रूर आएंगे, तो आपने तैयार रहना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो चार ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और ऑल ऑफ दीज। तो इसका जवाब आपका डी जवाब है, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड। तो अगर हम चार ऑप्शन देखें तो 1984, 86, 85 और एक है आपका इसमें ये 87। तो इसका जवाब बहुत आसान सवाल है, आपको ज़रूर आता होगा, 86 जवाब है इसका। तो मेरे साथ आप करते जाओ और उन्हें याद करते जाओ और एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च्ड, तो कब लॉन्च किया गया था गंगा एक्शन प्लान को, क्वेश्चन नंबर 6। तो 85, 86, 97 और 88, ऐसे सवाल जो है इसी पैटर्न पे सवाल, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है सब, 85 इसका जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, NRCP वॉज लॉन्च्ड इन। तो NRCP को कब लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका जो जवाब है आपका 94, 95, 96, 97 बी जवाब है। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लगातार, और तो आप जो है सब तैयार करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, अपने याद करते जाओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू, बहुत अच्छा सवाल है। तो ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन है इसमें, इंफ्रारेड रेस रीचिंग द अर्थ, मॉइस्चर लेयर इन एटमोसफेयर और इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ऑफ एटमोसफेयर। तो यही है आपका, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है जो CO2 है वो, या ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो इंफ्रारेड रेस को रोक लेती है। सोइल कंजर्वेशन इज, सोइल कंजर्वेशन क्या है इन चारों में से, तो चार ऑप्शन है। और आपके पास कई बार मुझसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप ऑप्शंस ना पढ़ा करो, तो हमें मौका दो कि हम खुद उनको देख लें, पढ़ लें। तो इसमें इसका जवाब बता देता हूँ, तो ये है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, ठीक है। तो इसका डी जवाब है। और सोलर विंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, तो सोलर और विंड, ठीक है। तो रिन्यूएबल हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, और बोथ हैं आपका, नन ऑफ दी अबव है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपका रिन्यूएबल है, आसान है, बहुत आसान सवाल है, ये जवाब आएगा। और मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन एमिशन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आप कहते हैं प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका जवाब है आपका डी जवाब है इसका, फ्लोरो कार्बन। तो एरोसोल पोल्यूटेंट जेट प्लेन। नेक्स्ट है गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी, बहुत बारी सवाल आया है, ठीक है। लास्ट वाले इसमें भी हमने कई सारे सवाल इस पर डिस्कस किए थे जो हमने अभी यस्टरडे लाइव की थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट है
और डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज, अगला क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका है आपका डी रेनफॉल, और डोमेस्टिक वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सवाल हैं आपके एनवायरनमेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट है। एसिड रेन इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोसफेयर कंसंट्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका डी जवाब है SO2 और कार्बन मोनो, एक सेकेंड 15 का है आपका डी जवाब, ये सी था आपका तो इसको हटाते हैं और डी जवाब है इसका, ठीक है। तो इसका है एसिड रेन के ऊपर सवाल, एक सवाल हम शुरू अभी पहला सवाल हमने वही डिस्कस किया था, तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है, सवाल वही है। ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, तो इसका बी जवाब है, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्वेश्चन नंबर 17, तो ये आपका बायोमास, चार ऑप्शन है बायोमास है, आप इसको पोस्ट करके ज़रूर देखिएगा, एनालिसिस कीजिए इसका, और कुछ और आप डिटेल जानना चाहते हो इसमें और भी ज़्यादा तो गूगल सर्च कर लीजिए आप, ठीक है। फिर भी आपने ये फैक्ट वैसे ही याद करना है, ठीक है, तो क्यों ज़्यादा टाइम आपने लगाया, आप इनको आपको आते भी होंगे तो आप सीधे सीधे जो है इनको एक बार इनको इनका आइडिया ले लीजिए, ठीक है, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कि आपको आते हैं कि नहीं आते, नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, आपने एनालिसिस करना है क्योंकि ये सवाल आपके सिलेबस का पार्ट है। तो पिकअप द करेक्ट फूड चेन, फूड चेन के ऊपर सवाल है, ठीक है, पहले भी कई बार सवाल फूड चेन पर आ चुका है, तो जो करेक्ट है वो मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आपको फटाफट जो है उनके आंसर चाहिए होते हैं, क्वेश्चन चाहिए होते हैं, तो इस चीज़ का मैंने ध्यान यहाँ पर रखा है। तो इसका सी है आपका फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन और फिश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट हैजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, मोस्ट हैजार्डस, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें मरकरी, तो ये नहीं है, कैडमियम, लेड, लेड पर हमने कल भी बहुत सारे सवाल डिस्कस किए थे, इसमें आप वीडियो में आप देखिएगा, कई सारे सवाल मैंने लेड पर नए सवाल आपके साथ शेयर किए हैं। और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू, ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है, चार ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो सपोर्ट लाइफ, डी जवाब, ठीक है। क्वेश्चंस की डेप्थ आपने देखनी है, क्वेश्चंस का स्टाइल नेचर आपने देखना है, तो आप अपने से अपने सहूलियत के हिसाब से आप टाइम लगाकर इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। तो पेट्रोलियम इज ए, ठीक है, पेट्रोलियम इज ए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको उन्होंने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट तैयार किया होता है, तो उन्हें लगता है कि सर तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अच्छे सवाल आपके साथ मैं जोड़ रहा हूँ, तो इसका जवाब आपका सी है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब देते रह सकते हो। और मिनरल्स आर मेटल्स आर, असली चीज़ क्या है कि हमारे पास एक अच्छे क्वेश्चंस आ जाएं, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि आधी जीत जंग तो हम वैसे ही जीत लेते हैं अगर हमें इस बात का आइडिया हो जाए कि हम छोड़ क्या दें, ठीक है, नहीं तो सब कुछ करो और फिर कई बार गैर ज़रूरी चीज़ें हमसे याद हो जाती हैं, जो ज़रूरी हैं वो छूट जाती हैं, मेरी बात को आप समझ गए हो गए। चलिए तो मिनरल्स आर एंड मेटल्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। सोइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय, तो सोइल फर्टिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि कैसे रिड्यूस हो जाती है, तो इसका है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर, डी जवाब है। और वाटर इज अ रिसोर्स दैट इज, ये भी इम्पोर्टेंट है, किस तरीके का रिसोर्स है, तो ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है, सी जवाब है। अमेरिकन वाटर प्लांट दैट हैज़ बिकम ए ट्रबलसम वाटर इन इंडिया, सवाल हमने कल भी डिस्कस किया था, बी जवाब है आपका, ठीक है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट इज, तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, चार ऑप्शन हैं और इसके भी हम आंसर्स देख लेते हैं। तो इकोलॉजी बोलते हैं इसे, तो इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, तो इथोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, या किस तरीके की ये स्टडी होती है। तो सोइल बेस्ट सूटेड फॉर प्लांट ग्रोथ इज, ठीक है, तो कौन सी सोइल जो है बेस्ट सूटेड, बेस्ट सूटेड, तो क्ले, लोम, सैंडी, ग्रेविल, तो इसका है आपका बी जवाब, ठीक है, लोम। और विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ,
ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, सीएफसी, फ्रियोन और मीथेन, तो चार ऑप्शन है जिसमें आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब है। साउंड्स अबाउ व्हाट लेवल कंसिडर्ड हैजार्डस नॉइस पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉइस पोल्यूशन के ऊपर एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, तो अबाउ 120 डेसिबल डी जवाब है। और ए डीजल कॉज्ड बाय ईटिंग फिश, सॉरी ए डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश कंटेमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मरकरी कंपाउंड्स इज कॉल्ड, कौन सी डिजीज होती है? एक सवाल हमने कल भी इस तरीके का देखा था, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, अच्छे सवाल मैंने डिस्कस किए हैं, मिनीमाटा डिजीज। और व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू ए वाटर इट्स बीओडी, ठीक है, इसके बीओडी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो डिक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा, इंक्रीज होगा, स्लाइटली डिक्रीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आपका सी जवाब है, इंक्रीज होगा। इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डीकम्पोजर फ्रॉम एन इकोसिस्टम फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, तो इसका जवाब है मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। तो क्वेश्चंस को आप बिल्कुल पोज करके और ध्यान से जो है आप अपने समय के हिसाब से आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर आपको इसके आंसर्स करवा रहा हूँ, तो उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, फिर आपको ये हो जाएगा कि आप कौन से सवाल को देखना चाहते हो सकता है कि आप किसी सवाल को आप ज़्यादा वक्त नहीं देखना चाहते, तो अपने हिसाब से आप टाइम मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मैं सवाल देने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह मेरा मकसद है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूँ। द ताजमहल इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, तो चार ऑप्शन है, तो इसका जवाब है आपका डी सल्फर डाई, क्वेश्चन नंबर 33 की मैं बात कर रहा हूँ, डी जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। मिनीमाटा बे जापान द एनिमल्स विच रिमेन्ड फ्री फ्रॉम मिनीमाटा डिजीज आर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, तो इसका है जवाब आपका डी जवाब है रैबिट्स, ठीक है, रैबिट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जापान पर कई तरीके के सवाल हो सकते हैं इस बार क्योंकि वहाँ पर ओलंपिक चल रहा है। द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर अफिक्स हीमोग्लोबिन इज कम्पेयर टू ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली बाय, तो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो किस तरीके का इफेक्ट उस पर है, कितने ज़्यादा टाइम, तो इसका जवाब है आपका 200 टाइम्स, 200 गुना, ये जवाब है। और विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स मोस्ट डेंजरस टू होमो सैपियंस, ठीक है, तो आइसोटॉप्स के ऊपर समस्थानिकों के ऊपर सवाल है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो आंसर होगा वो स्ट्रॉन्शियम 90 है, स्ट्रॉन्शियम 90 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका है आपका ये ओशन, ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है आपका ओशन। देखो जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपको आता है या नहीं आता, बीच का रास्ता नहीं होता, लिखने का एग्जाम नहीं है कि आपने सोचा और उस पर चार लाइनें लिख दी, या तो आपने पढ़ा है आप करे हो गए, या आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको याद करोगे, तो अगर आपको आता है तो आप बताओगे, नहीं आता है आपने नहीं सुना तो आप उसको याद करोगे। तो ए डेंटल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मोटलिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू परजेंस, सवाल मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो इंपॉर्टेंट सवाल है तभी दोबारा फिर से आ गया है, तो आपका फ्लोरिंग, दांतों में क्या ना पीली पीली सी रेखाएं हो जाती हैं, कुछ पानी में फ्लोरिंग मिला होता है, आपने भागलपुर बिहार वाले इलाके में देखा होगा, हरियाणा में भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर गाँव के लोगों के दांतों में पीली पीली रेखाएँ मिलती हैं, ठीक है, फ्लोरिंग की वजह से। तो अगला है आपका 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फैक्टर ऑफ डेजर्टिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका है ओवर ग्रेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सिंपैट्रिक पॉल्यूशन पॉपुलेशन बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड आर डेजिग्नेटेड एज, देखो थोड़े से टाइम में आधे घंटे में आपके पास अगर 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो जो आपकी तैयारी को बताएंगे कि जी आपने क्या किया है क्या नहीं किया, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है अगर मैं आपको 30 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस दे देता हूं और जो कि आपके तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक टाइम का सही यूटिलाइजेशन आप मान सकते हो, ठीक है, तो इसका सी जवाब है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज दैट इट इज, क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका है आपका कॉज्ड बाय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CFC मीथेन
नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सी ऑप्शन है, विच कंट्री हैज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर द होल फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रशिया, जापान, यूएसए, जर्मनी। तो इसका जवाब है आपका यूएसए, सी जवाब है। और द टू ग्रेट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडीज नेमली मिक वो है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट और चेरनोबिल ट्रेजेडी। चेरनोबिल रशिया में हुआ था, बल्कि मूवी भी आई है अभी हॉलीवुड की 2021 में, अगर आपने देखी होगी। तो रेस्पेक्टिवली अकर्ड वेयर एंड एट विच टाइम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। तो भोपाल ट्रेजेडी आपकी ये 1984 की है, और ये आपकी दूसरी जो है आपकी 1986 की है, यूक्रेन वाली, ठीक है। तो ये आपका इसका जवाब ए। और द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट पोल्यूटेंट वाटर इज। तो चार ऑप्शन है, इसका जवाब है आपका ई कोलाई, सी जवाब है। और इन कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स विल बी मोर कॉमन, ठीक है। ये सवाल हमने यस्टरडे भी डिस्कस किया था। तो इसका डिप्लीशन ऑफ ओजोन एयर है, क्योंकि जो आपके नुकसान पहुंचाने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आ जाएंगी नीचे। मैप स्टैंड्स फॉर MAB मैप। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं मैप टाइप के, जिसमें इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका जवाब है आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका डी जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आज बारिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पानीपत के अंदर, ठीक है, और उसको शोर भी आपको आ रहा होगा बारिश का। और चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, और इसका है आपका बी जवाब है रेन फॉरेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉस्फेट पॉल्यूशन इज कॉज बाय, तो फॉस्फेट पॉल्यूशन इज कॉज बाय क्वेश्चन नंबर 49। तो 48 मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो 49 देखते हैं, और इसका जवाब है आपका बी, सीवेज एंड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज नेचर्स स्केवेंजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, अच्छे होने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वैसे अच्छे होने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो चार ऑप्शन है, इसमें जो जवाब होना चाहिए, इसका बी जवाब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, इन डेजर्ट ग्रासलैंड विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर रिलेटिवली मोर अबंडेंट। क्वेश्चन नंबर 51, तो इसका जवाब है आपका बी, बी जवाब है आपका फोसोरियल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सुपरसोनिक जेट्स कॉज पोल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेट क्वेश्चन है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जवाब है आपका ओजोन लेयर, ठीक है। तो जेट से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है इस बार। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है इस बार के लिए। तो 53 क्वेश्चन देखते हैं, इसका जवाब है आपका एशेरिया। तो बी जवाब है, याद कर लो, इफ देयर वॉज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमोसफेयर द टेम्परेचर अर्थ सरफेस वुड बी 54 है, और तो लेस देन द प्रजेंट। यहाँ पर मेरा, मैं आपका बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आंसर्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही होता है कि हम छोड़ के आ जाएँ और पढ़ के आ जाएँ, ठीक है। तो वहाँ पर हमें एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, मेरी बात आप मान लो, ठीक है। सब कुछ पढ़ने हैं, सिलेक्शन नहीं होता है कि कुछ भी आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो सेलेक्टिव करने की ज़रूरत रहती है, और वो हम ही बता सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ए पोल्यूटेंट बिकॉज, तो चार ऑप्शन है इसमें, और इसका जवाब है कार्बन तो रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन। पर आपने सावधान इंडिया देखा होगा, क्राइम पेट्रोल की, उसमें एक मर्डर दिखाया गया था जिसमें रात में क्या था, वो जो कोयले की अंगीठी होती है उसको जला दिया गया, सर्दी का मौसम था, उसको पूरी रात जलाए रख के सारी खिड़कियां बंद कर दी। तो कोई ओल्ड उसमें लेडी थी तो उनका दम घुट गया, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ना कोयले के दहन से निकलती है और सफोकेशन से वो डेथ हो जाती है, वो दिखा रखा था उस सीरियल के अंदर। तो कई बार आपको टाइम मिला करे तो देखा करो ज़रूर, सावधान इंडिया, क्रिमिनल, क्राइम पेट्रोल, और भी कई सारे सीरियल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आपने जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्रिमिनल्स को भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो कैसे काम करते हैं। हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाई ऑटोमोबाइल्स प्रिवेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यूज़। 56,
तो देख लेते हैं, तो इसका जो जवाब है आपका वो ए है, बाय फॉर्मिंग स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन। और डोडो इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल आपका। जो भी सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उनमें वो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल है आपके लिए। तो डोडो क्या है आपका, ये एक्सटिंक्ट है, तो कितना आसान सवाल है। और एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रेयर क्या होता है, एक्सटिंक्ट क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, कौन से एनिमल इसमें आते हैं। तो आपको एक यहाँ पर एक लिंक मिल गया कि आपने वो देखना है। मिनीमाटा डिजीज फिर से आई है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मरकरी है। और DDT क्या है, तो एंटीबायोटिक है, नॉट ए पोलूटेंट है, नॉन ब्रीडेबल पोलूटेंट है। 59, तो इसका जवाब आपका सी है, ए नॉन डिग्रेडेबल पोलूटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर, तो क्वेश्चन नंबर 60 को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका सी जवाब है आपका फ्लोरोसिस। और इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो अभी एक सवाल हमने पीछे किया, ये आपका मिक गैस है आपका मिथाइल आइसो साइनेट जवाब है इसका। और आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोलूटेंट, ठीक है। तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी पोलूटेंट पर हम कई सारे सवाल कल से अब तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस मैंने कल भी आपके साथ शेयर किए थे और फिर मैं आपके साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके, तो लाइकेंस के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसका है, दे एक्ट एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोलूटेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड मास ऑक्यूपाइड बाई फॉरेस्ट इज अबाउट, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है आपका वो 30% है। लैंड मास ऑफ ऑक्यूपाइड बाई फॉरेस्ट इज अबाउट 30%, ए ऑप्शन है। और वॉट इज द बेस्ट pH ऑफ सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो और भी अच्छा है। 5.5 से 6.5। वॉट इज BOD, BOD पर आपने देखा होगा आपके यहाँ RO वगैरह घर पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो BOD की बात करते हैं वो, हालांकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो फिर भी BOD की बात आपसे करते हैं और आप भी BOD को नहीं समझ पाते हो। तो द अमाउंट ऑक्सीजन यूटिलाइज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डीकम्पोजिशन, तो इसका बी जवाब है। वॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन, बहुत अच्छा आसान इजी सवाल है, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपसे, एक बात का आप ध्यान रखना। आसान सवाल अगर आप गलत करोगे तो फिर आपको गॉड भी नहीं बचा सकता है, तो आसान सवाल हमेशा हमेशा आपके ठीक होने चाहिए, इसका बी जवाब है। और प्लांट डीकम्पोजर्स आर, बहुत अच्छा सवाल, एक और सवाल इंपॉर्टेंट है, तो मोनेरा एंड फंजाई, ठीक है। डीकम्पोजर्स आर बहुत अच्छे सवाल है, और तो डीकम्पोजर मोनेरा और फंजाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन पॉल्यूटेड वाटर, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है ना। तो क्या एबसेंट है पॉल्यूटेड वाटर पर, एकदम प्योर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हैं आपके GS वाले पेपर के लिए, SCS के लिए, अदर एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं जहाँ पर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन 2014 में, मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो करीब 18 क्वेश्चंस जो है आपके एनवायरमेंट पर आए हुए थे, तो आपको ये सवाल आने चाहिए, ठीक है। इस बार लगता है कि शायद नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, तो आपने इसको करना है। तो इसका जवाब है आपका सी, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, और मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो 70 का आपका सी जवाब है। और USA फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। तो फ्लोराइड क्वेश्चन नंबर 71 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्लोराइड वही था मैंने बताया, दांतों पर पीली सी रेखा हो जाती है और ग्राउंड वाटर में वो पानी में मिला होता है तो दांत पीले रंग के हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा। और अगला है आपका इशेरिया कोलाई, ई कोलाई इज यूज्ड एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पोल्यूशन ऑफ वाटर विद, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, इसका जवाब है आपका फेकल मैटर, ठीक है। तो एक अच्छा कलेक्शन आपके पास आ रहा है क्वेश्चंस का, आप अपने पेज से अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको पोस्ट करके या जैसे भी करके आप इसको देख कर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको आप ही को पता है कि आप कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम आप देना चाहते हो। कई सारे सवाल ऐसे होते हैं हमें आते हैं, हम उसको नहीं देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसका जवाब बता रहा हूँ। इसका जवाब अगला है, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डेमोग्राफिक डेवलपिंग कंट्रीज आर, तो ये जवाब है हाई फर्टिलिटी, लो और रैपिडली फॉल रेट, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, और इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी टूक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट, तो चार ऑप्शन हैं यहाँ पर, तो रिएक्टेड विद वाटर, डी जवाब आएगा इसका।
और लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसीडर अलार्मिंग इफ इट इज, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। लेड के ऊपर आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर हमेशा लिखा होता है लेड फ्री पेट्रोल, लेड फ्री, तो ये लेड लेड है क्या? तो इसमें ये बहुत बड़ा पोल्यूशन जो है हमारे लिए नुकसान होता है, हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ कि लेवल क्या होना चाहिए, तो 30 से अगर ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो अलार्मिंग हो जाता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल नॉट करेक्टली मेस्ड, क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका जवाब है आपका डी, ब्लैक सॉइल रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें क्या है, एक चीज़ आपने और देखनी है, तो यहाँ पर नोट लिखा है, ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ो, कई बार करेक्टली मेज नोट करेक्टली मेज, तो उसको सर्किल कर दो, इससे कि आपको ध्यान में आ जाए कि भाई नोट करेक्टली, जो आपका करेक्टली मेज नहीं है वो देखना है। एन इकोसिस्टम विच कैन बी इजीली डैमेज्ड बट कैन रिकवर एट सम टाइम ऑफ डैमेजिंग इफेक्ट स्टॉप विल बी हैविंग, क्वेश्चन नंबर 77। तो लो स्टेबिलिटी ऑफ हाई रेजिलेंस, तो ये जवाब है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। दोबारा से कम 3-4 बार वही सवाल अलग 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 तरीके से आपके सामने आया है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इन योर ओपिनियन विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी इन एरिया, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, और इसका क्वेश्चन नंबर 79 को अगर देखें तो बाई क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व भी जवाब आना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है मैं उन्हें बता देता हूँ। यहाँ पर मेरा मकसद है आपको कि एक वो सवाल देने जो आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मेरा मकसद है कि आप उन सवालों को देखो कि आपकी तैयारी में ये सवाल हैं, इनको आपने पैक किया है अपने साथ बैग में, नहीं किया है, ठीक है। तो बैग मतलब आपके जहन में ब्रेन के अंदर हैं, आपने सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है और हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर कि 12 सितंबर में हमने कैसा पेपर करना है, तो क्या ये सवाल आपके बैग में है, तो यहाँ मेरा मकसद ये है, तो उसको आप देख लीजिए। और इसका जवाब है आपका डी, फिनाइल, फिनाइल जवाब है, तो नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि इसका डी ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द करेक्टली मेज्ड पेयर, तो 4 ऑप्शन है, ये कन्वेंशन प्रोटोकॉल पर हमेशा सवाल होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो करेक्टली पूछा है तो क्योटो वाला जवाब इसका ठीक है, बाकी बासेल मॉन्ट्रियल रामसर क्या है ये डिटेल आपने देखनी है, और आपको वैसे पता होगी आप तैयारी कर रहे हो तो आप जानते होंगे सारे कन्वेंशंस वगैरह। मोर देन, अगर नहीं भी पता है तो आप इसको यहाँ से कर लीजिए, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज कंटेंड इन, क्वेश्चन नंबर 82। तो इसका है आपका पोलर आइस, ठीक है, पोलर आइस 82 ओशन है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमेच्ड, ठीक है, तो कौन सा आपस में मेच नहीं है, तो इसका है आपका ये सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस इफेक्ट, सोलर एनर्जी से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है, तो मिसमैच है। और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन USA इन ईयर, तो ये EIA पर सवाल पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, SCS में भी आया हुआ था, तो इसका ईयर ज़रूर याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, 1969। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, एक और सवाल आ गया, तो कौन सा ऐसा है जो आपस में यहाँ पर अलग है इन चारों में, यानी तो आपका 4 ऑप्शंस हैं, 85 का मैं आंसर्स यहाँ पर बता देता हूँ, क्या जवाब होगा इसका है आपका सी, ठीक है, प्रेरी, बाकी टुंड्रा सवाना कॉनिफेरस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका जो वेजिटेशन है या ये क्या बोलते हैं इसको, क्लाइमेट जोन वाला सवाल था आपका है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो नॉन NGO है, मतलब NGO पर सवाल पूछा गया है, तो आपका WWF और इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो इसका जवाब है आपका ए ऑप्शन है। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाई पार्लियामेंट इन विच ईयर, तो बहुत अच्छा सवाल है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जितने भी एक्ट आपके एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं और वो पास हुए हैं उनके वर्ष आपको याद होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये आपको आता होगा, कॉमन साइंस से भी आप कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत ही ज्योग्राफी टाइप कुछ पढ़ा है, तो वेस्टर्न घाट जो है इसका जवाब है। और लिमिट ऑफ BOD प्रेस्क्राइब्ड बाई सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इन टू नेचुरल सरफेस वाटर्स इज, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसका है आपका मोर देन 30 ppm, याद होना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं किया तो आप इसको याद कर लो। फोटो केमिकल स्मोक पोल्यूशन डज नॉट कंटेन, क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें पहले तीन नहीं है, इसका डी जवाब है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो डी जवाब है। मैं यहाँ पर इसको भी ठीक कर देता हूँ। चलिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बीओडी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज डिस्टिलरी एफ्लुएंट पेपर मिल एफ्लुएंट एंड शुगर मिल एफ्लुएंट हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। तो इसका जो जवाब है आपका, तो इसका जवाब है आपका बी, इनका ऑर्डर है, इसको आपने लर्न करना है, ठीक है, और ऑर्डर देखना है इसका असेंडिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट है आपका इन कोल फायर्ड पावर प्लांट इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल एमिशन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, अभी तक नहीं आया आपके एग्जाम में, तो आने की उम्मीद है। मैं आपके साथ वही सवाल को शेयर कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए, आपकी तैयारी में आपके आपके बैग में रखे होने चाहिए, मतलब आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा साल खराब हो जाता है अगर हम सही से कुछ चीज़ भूल जाते हैं। तो इसका एस पी एम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 93। तो इसका मैं सही जवाब बताने जा रहा हूँ, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मे लीड टू यूट्रोफिकेशन ऑफ नियर बाई वाटर बॉडीज। एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरा मकसद है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूँ, उनके आंसर्स बताऊँ, और अपने पेज से, अपनी सहूलियत से जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपने प्रिपेयर नहीं किए और आपको करने चाहिए थे, ठीक है, तो उस पर आप टाइम लेकर इसके अपने हिसाब से आप देख सकते हो। चलिए, 94 क्वेश्चन है, और ए हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन। तो इसका जो जवाब है आपका, चार ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, तो इसका म्यूचुअलिज्म, पोज करके आप देख सकते हो, ठीक है, इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो 95। तो ये आपका जो फॉरेस्ट है, आपके आपके जो वन हैं आपके, तो उस पर सवाल है आपका, वनों के ऊपर, ठीक है, तो इसका है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, तो हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 96 को अगर हम यहाँ पर देखें, तो इसका जवाब है आपका लेंटाना और लेंटाना कैमरा वाटर हाइसिंथ। और अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, तो इसका है आपका डी। एक सवाल मैंने यस्टरडे भी जो है ये डिस्कस किया था, क्योंकि रात में मैंने जो आपको वीडियो आपसे शेयर की थी, मतलब लाइव क्लास कराई थी, उसमें भी एनवायरमेंट के क्वेश्चन से मैंने बात की थी, आइडेंटिफाई नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका है आपका डी जवाब है, और नया सवाल है, इम्पोर्टेंट है, और इट रिप्रेजेंट द परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग एंड नो रिकवरी। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका NIPTS, ठीक है, NIPTS क्या होता है गूगल सर्च करिए, और नागली इज ए, नागली क्या है, तो एनिमल है, कॉटन है या क्रॉप है, तो इसका जवाब है आपका सी। चलिए, तो 100 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और जो जैसे कि हमारी टैगलाइन है, पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, तो आप देख लीजिए कि आप एग्ज़ाम के नज़दीक जा रहे हो तो कितने सवाल ऐसे हैं जो आपके तैयार थे या नहीं थे, तो उसको आप ऐड करिए और कोशिश कीजिए ना करने का। काफ़ी सारे लोगों ने जो है आज जवाब दिए हैं, तो बाकी आप सभी लोग जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच।